नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। वैसे तो इन दिनों यूपी में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और चारों तरफ चुनावी बयार बह रही है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात कर रहा है, लेकिन तमाम दलों के आरोप प्रत्यारोप में ये राजनेता शायद ये भूल गए कि जो जनता से जुड़ा मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर भी बात करना जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा अपराध मुक्त प्रदेश। दरअसल जब 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी तो सबसे पहले ये कहा था कि प्रदेश में जो अपराधी हों वो या तो जेल के अंदर होंगे या फिर प्रदेश के बाहर उनका स्थान होगा। प्रदेश के अंदर उन अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। और ऐसे में तमाम अभियान चलाए गए, तमाम अपराधी पकड़े भी गए। कुछ अपराधी ऐसे थे जिनमें खौफ भरा गया और वो जाकर खुद थानों में आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए। लेकिन पूरी तरह से क्या अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो या फिर प्रदेश की कोई भी जनता, सबसे पहले ये चाहती है कि वो जब भी नौकरी करके अपने घर जाए, चाहे वो महिला हो या नौजवान हो, बुजुर्ग हो, वो वहां पर सुरक्षित पहुंचे अपने घर। अपने घर से जब वो दफ्तर पहुंचे तो वो सुरक्षित रहे। उसकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है, शासन का है, प्रशासन का है। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपराध को लेकर क्या लगाम लगा पाने में योगी सरकार पूरी तरह से सफल है, या फिर अखिलेश सरकार जो लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि हमारी सरकार जब थी तब अपराध पर हमने बहुत काबू पाया था, अपराध पर काबू पाने के लिए हमने तमाम हेल्पलाइन नंबर निकाले थे, लेकिन उसे पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने खत्म कर दिया। ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। बात अगर साल 2020 की करूं तो ये साल ऐसा था उत्तर प्रदेश के लिए जहां पर बहुत बड़े बड़े अपराध घटे हैं, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे वो हाथरस कांड हो। ये दो सबसे प्रमुख हैं जिन्होंने पूरे देश या मैं कहूं कि पूरे विश्व का रुख अपनी ओर कर लिया था। साल 2020 के एनसीआरबी के डाटा की मैं बात करूं तो उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता है। ये मैं वो बता रही हूं जो आंकड़े दर्ज होते हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, वो नहीं जिनमें महिलाएं चुप्पी साध लेती हैं, परिजन जो हैं वो डर के मारे या फिर शर्म के मारे नहीं बता पाते, एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते। जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 9 मिनट में रिपोर्ट होता है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप पर कुल 4,322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज करीब 12 रेप के मामले हो रहे थे। महिलाओं के खिलाफ 2018 में करीब करीब यहां पर 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं इस पर रुकी और फिर दोबारा से इस आंकड़े को पढ़ा, क्योंकि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। जिसका अर्थ है कि हर रोज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले करीब 162 दर्ज किए जाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज होते हैं। जो दर्ज नहीं होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही, जो कि साल 2017 के मुकाबले 7% ज्यादा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, वादा किया कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जनता को सुरक्षा देंगे, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन अगले साल का यह आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 56,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, यानी कि उस वक्त यह आंकड़ा हर दिन के करीब 153 था। साल 2018 में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के कुल 144 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा 149 था। साल 2017 अप्रैल में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कम हो सके। बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश नाकाफी है। नाकाफी इसलिए क्योंकि दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जो मनचले हैं उनके हौसले बुलंद हैं। क्योंकि जब सजा दी जाती है या फिर जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित जाते हैं तो कई बार, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरा जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, जिनकी वजह से महिलाओं को या बच्चियों को या फिर पुरुष भी हो उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल पाता, और इसी वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। लूट, डकैती, बलात्कार, हिंसक घटनाएं, हालांकि दंगे भड़काने पर काफी ज्यादा रोक लगी है योगी सरकार में, लेकिन ये तमाम चीजें रोजाना सामने आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस पर बात हो,
क्योंकि 2022 बेहद नजदीक है। 2022 में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। उम्मीद है कि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो जाए, तो ऐसे में वक्त आपके पास कम है, आपसे मतलब है सरकार के पास, तमाम दलों के पास, जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमियां देख रहे हैं, सरकार ने क्या किया उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में आज ये जो चर्चा है वो इस पर होगी कि जो अखिलेश सरकार 2017 से पहले थी, उन 5 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या अपराध पर लगाम लग सकी, क्या अपराध कम हुए, क्या महिलाएं खुलकर बाहर निकल सकी, क्या देर रात महिलाएं बाहर अपनी दफ्तर से आसानी से अपने घर पहुंच सकी थी। और बात होगी इन 4.5 सालों की, क्योंकि अभी वक्त बचा है 5 साल पूरे होने में योगी सरकार के। एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम इसलिए शुरू किए गए सोनभद्र जिले के नरसंहार के बाद, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। सोनभद्र, ये ऐसा कांड था जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। हर कोई डर रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हो भी कैसे, जब दिन दहाड़े 11 लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। योगी सरकार ने सुनियोजित किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब लगातार अपराध पर अंकुश रखा जाएगा। ये तमाम बातें हैं और तमाम वादे हैं। वादे इसलिए क्योंकि हर सरकार ये वादे करती है जब भी सत्ता में आती है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वादों को ना कागजों तक रखती है। जी हाँ, मैं कागज की बात कर रही हूँ, जिस पर हम लिखते हैं और लिखकर उन्हें भूल जाते हैं, कभी दोबारा उसको हमारा ध्यान नहीं जाता। आप भी लिखते होंगे और ये देखते होंगे कि हमने कभी लिखा था लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं देते। कभी सफाई करते वक्त आपके कमरे से या आपकी अलमीरा से ऐसी कोई डायरी निकल जाती होगी जिसको लेकर आप बाद में देखते होंगे कि मैं उस समय लिखता था या लिखती थी। तो ऐसा ही होता है सरकार के साथ, कामकाज सिर्फ और सिर्फ कागजों में लिख दिए जाते हैं, धरातल पर की हकीकत क्या होती है वो शायद आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, जो जहां रहता है उसे वहां की हकीकत तो पता रहती है, लेकिन दूसरे जिले में क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं रहता। ऐसे में सवाल है कि क्या हमें जानने का हक नहीं है? क्या हम आम जनता हैं? हम आपको वोट देते हैं, हमारे वोट से ही आप जीत का ताज पहनते हैं, क्या हमारा ये हक नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार फील्ड पर पहुंच रहा है, क्या राय है उनकी वो जानने की कोशिश कर रहा है। अपराध को लेकर उनका क्या कहना है, लोगों का जो कि हार्डकोर वोटर हैं उनका क्या कहना है, इसको लेकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि हकीकत क्या है वो हम जाने, क्योंकि जानना जरूरी है। एक नई सरकार चुनने की हम राह पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमें पहली सरकार चुननी है जो 2017 से पहली थी, या 2017 के बाद जो सरकार आई है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है? किसने काम किया है, किसने हमें सुरक्षित वातावरण दिया है, किसने महिलाओं को सुरक्षा दी है? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल खत्म नहीं होते लेकिन जवाब आने मुश्किल हो जाते हैं। सरकार ने सुनियोजित तरीके से संगठित जमीन कब्जा करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्व विभाग और जिला प्रशासन कमेटी भी गठित की, जिसमें पूरे प्रदेश में हजारों हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। अपराध को कम करने के लिए रासुका के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे कि संगठित अपराध करने वाले जल्दी जेल से बाहर ना आ सके। तो तमाम बातें हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा करनी जरूरी है। राजनीति में क्या हो रहा है, कौन किस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, इस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उन पर हम क्यों भटक जाते हैं? तो हम जरूर बात करेंगे और आज अपराधों पर बात होगी कि आखिर अपराध कम हुए हैं या वाकई बढ़ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। शिल्पी चौधरी जी सपा नेता हैं, रोशनी जायसवाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, जय दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल है वो शिल्पी चौधरी जी से मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि उनकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में और ये लड़ाई तो सपा और बीजेपी के बीच है। हर कोई जानता है कि सीधे तौर पर जो सपा है वो टक्कर दे रही है बीजेपी को, मुख्य विपक्षी दल सपा ही है। तो ऐसे में आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? अब आप ये कहेंगे कि नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं कि आप विपक्ष में है तो आप नकारेंगे ही, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल ये भी करना चाहूंगी कि क्या 2017 से पहले महिलाएं सेफ थी? देखिए, मान लीजिए आपके हिसाब से हम चलते हैं कि 2017 से पहले महिलाएं सेफ नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी, तो ठीक है,
सरकार बदल गई। उस सरकार के बदलने के बाद आलम यह आया कि आपको 2018 में ही अप्रैल में कुलदीप सिंह सेंगर का इतना बड़ा प्रकरण आया, और 18 के बाद उसके बाद से लगातार एनसीआरबी ने ही ये डेटा दिए कि लखनऊ से मात्र 60 किलोमीटर दूर उत्तर उन्नाव में 6 महीने में 850 बलात्कार होते हैं। उन्नाव पूरे विश्व में रेप कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बिकरू का कांड आपने देखा, बिकरू कांड में खुशी दुबे को जो अरेस्ट किया गया, आज तक वो लड़की जेल में है। उसका क्या गुनाह है, कोई बात नहीं होती उस पे। महिलाओं के प्रति आलम अत्याचार का ये है कि 4 या 5 दिन हुए हैं इस घटना को कि एक 18 वर्षीय युवती को, जहां उसने नौकरी की थी, बलात्कार के बाद 9वीं मंजिल से कानपुर में फेंक दिया गया। कानपुर के सरकारी संरक्षण गृह में 90 जब कोरोना पॉजिटिव लड़कियां निकली, उसमें से 13 माइनर बच्चियां गर्भवती थीं, जिस पर सवाल जब मैंने उठाया तो मुझे योगी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोरोना टाइम में जेल भेज दिया, जबकि कोर्ट से कहा गया था कि कोई जेल नहीं जाएगा गंभीर अपराधों के अलावा। तो ये महिलाओं के लिए कहां से सेफ है? एंटी रोमियो स्क्वाड झुंझुना 1090 इन्होंने बंद कर दी है। बीच में इन्होंने शगुफा निकाला, जब बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट हो रही थी कि हम बलात्कारियों के होर्डिंग सड़कों पर लगाएंगे। बलात्कारियों के होर्डिंग, किसी ने आरोप लगाया बलात्कार का और आपने आरोप तय होने से पहले उसके होर्डिंग लगाने की तैयारी कर ली, ये किस तरीके का न्याय आप देने की बात कर रहे थे? आज लड़कियां, इनके यहाँ तो आलम यह है कि कई ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं जहां थानों में पुलिस वालों ने बलात्कार किए हैं, जहां फरियादी का बलात्कार किया है, जो फरियादी गई है, जो विक्टिम गई है। ऐसा ही एक केस मैंने डील किया फैजाबाद में, जिस लड़की का बलात्कार हुआ, वो FIR जब लिखाने गई तो थानेदार ने कहा कि आज की रात मैं मजा ले लूं। इतना निर्भीक हो गया है गुंडा तत्व इनकी राज में। मुझे नहीं पता कि समाजवादी सरकार की आप क्या क्या कमियां निकालेंगी, वो आपका अधिकार क्षेत्र है और आपका कर्तव्य है, आप पत्रकार हैं। लेकिन मैं 16 से सक्रिय हुई हूँ इस राजनीति में, तब से अब तक मैंने इतना डिटोरिएशन देख लिया है। लखनऊ में रोज के काम है, मुख्यमंत्री बंगले के पास न जाने कितनी लाशें निकली, कानपुर आपको बताई दिया, उन्नाव मैंने बताई दिया, हाथरस की घटना आपने देखी, बागपत, न जाने कितने, कौन सा जिला बचा होगा? मुझे तो नहीं पता कि मैं किस जिले को कहूं कि ये जिला बचा है। फैजाबाद से आए दिन, अच्छा चलिए आपके हिसाब से कोई ऐसा जिला है जो महिलाओं को लेकर, या महिलाओं की बात में छोड़ दूंगी, फिर फेमिनिज्म की बात आ जाती है कि फेमिनिज्म आप करते हैं, फेमिनिज्म की बात छोड़ दीजिए, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, एक अपराध की मैं बात करती हूँ, आपको क्या लगता है कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जिला सुरक्षित है, कैसे कह सकती हूँ? यहाँ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर में इतना जघन्य हत्याकांड और बलात्कार की घटना हुई है कि वो लड़की जो मात्र एक दिन पहले नौकरी पे आई है और दूसरा दिन बीतते बीतते उसके साथ बलात्कार होता है, और जब वो ये कहती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी तो उसको 9वीं मंजिल से फेंक देता है उसका बॉस, और कहता है ऑन कैमरा, वो कह रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाली सरकार है भाई। कुलदीप सिंह सेंगर आप देखिए, इन्होंने आज तक आधिकारिक रूप से उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाला। इनके एक मीडिया प्रभारी ने लिख करके दे दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर का निष्कासन किया जाता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा, कोई उस तरीके की कार्यवाही नहीं हुई कि हम उसको मान सकें। अभी पंचायत चुनाव में इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार की एक सदस्य को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी में, जब उसका विरोध हुआ तब जाके वो चीज विड्रॉ हुई। चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी के ऊपर से इन्होंने सारे केसेस वापस ले लिए। तो अगर सिर्फ महिला अपराधों की बात करें तो इतनी बुरी स्थिति है। अभी हाल में एक घटना रिपोर्ट हुई है, 12 साल के एक बच्चे को आगरा में अगवा किया गया और उससे 2 यूनिट खून निकाल लिया गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। पहली बात तो आप देखें कि 18 से नीचे आप किसी का रक्तदान नहीं करवा सकते,
12 साल के उस बच्चे को किसी को जरूरत होगी, तो ये अराजकता का माहौल है ना, ये टोटल अराजकता का माहौल है। और थोड़े दिन ये और इस तरीके की चीजें चली, बेरोजगारी चली, तो फिर तो फिरौती वाला दौर आ जाएगा, अपहरण और फिरौती होने लगेगी इस प्रदेश में, तो कैसे हम समझे कि हम सुरक्षित हैं। चलिए ठीक है, आपने तो बता दिया कि इस सरकार में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या हुआ है, लेकिन हम भी लगातार फील्ड पर बने रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि 2022 नजदीक है, ऐसे में फैसला लेने की जरूरत है और जनता जनार्दन है, फैसला तो वही लेगी, उनके मन में क्या चल रहा है टटोलने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार में बहुत चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं हो पाई हैं, लेकिन 2017 से पहले भी बहुत चीजें ऐसी थी जो खराब थी, उसको बेहतर करने की कोशिश हुई है, ये आपको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा, क्योंकि बात महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की है, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। चलिए शिल्पी जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। रोशनी जायसवाल जी भी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। रोशनी जी, कांग्रेस क्या इस ओर कोई ध्यान दे रही है या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही प्रतिनिधिमंडल बना रही है, बैठ के कर रही है? कांग्रेस उतर रही है जमीन पर? कांग्रेस पूरी तरह से 2022 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है और कई हजार किलोमीटर की पद यात्रा फाइनलाइज हुई है। और मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हूँ, यहाँ 9 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और विशाल रैली होने वाली है जिसका संदेश मोदी जी तक जाएगा। कई बार मोदी जी आए हैं लेकिन वो भीड़ नहीं हुई है जो 9 तारीख को ऐतिहासिक रैली होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा जी की, वो पूरा देश देखेगा। देखिए, रैली से या देश देखेगा तो उससे तो जनता का भला नहीं होगा ना, रैली देखने से जनता का भला नहीं होगा। जब पदयात्रा होगी, घर घर दस्तक होगी, हाँ, तो लोगों का जो रुझान है वो पता चल जाएगा। और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में फॉग नहीं, यहाँ बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से अपराध इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, 45 साल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बेरोजगारी अभी है, जिसकी वजह से जितने युवा है उनके पास चोरी चमारी छिनैती लूट, आप कैसा शब्द इस्तेमाल कर रही हैं? सॉरी, किस तरीके का शब्द आप इस्तेमाल कर रही हैं? शायद आप कुछ बैठी हैं, आप टीवी पे, शायद आप भूल गई हैं कि आपने जो शब्द कहे हैं ना वो थोड़े से गलत है, शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। शेम ऑन यू, छिनैती लूट हत्या, ये इस तरीके के लोगों को नहीं, 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 रोशनी जी, रोशनी जी, टेलीविजन पर बैठकर आप ये शब्द बोल रही हैं, ये शोभा देता है आपको? शिल्पी जी, अगर आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया रोशनी जी? शिल्पी जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बेरोजगारी दर मैं क्या सुन रहा है, बेरोजगारी के बाद आपने क्या कहा, चोरी चमारी? आप चमारी कहेंगी? मैं चमार हूँ, आप चमारी कहेंगी? शिल्पी जी, आप रहेंगी गाली या मैं रहूंगी? आपत्तिजनक शब्द आपने बोले, रोशनी जी आप माफी मांग लीजिए। ये देखे, हद हो गई, रोशनी जी माफी मांग लीजिए आपको, आपने तो कहा है। नहीं नहीं, वो कोई गाली नहीं है, सबसे गाली नहीं है, लेकिन आप कई शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं। आई एम कोटिंग, गाली नहीं है, लोगों के साथ डिबेट पे नहीं बैठूंगी बिल्कुल। आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो शिल्पी जी, मैं रोशनी जी से बोल रही हूँ, आप माफी मांग लीजिए, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल तो किया है। देखिए एंकर महोदय, जो बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न, मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रही हूँ, गाली नहीं है, आपने क्या बोला? प्रवक्ता हैं, कृपया शब्दों का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें, इस तरीके से स्क्रीन पे नहीं आ जाते कोई। आप चोरी, मैं आपकी बात क्या सुनूं? चोरी चकारी होता है शिल्पी जी, शायद आपको ना थोड़ा सा अपने शब्दों को ठीक करने की जरूरत है। मुझे या इन्हें, इनको पता होना चाहिए क्या है इन लोगों का बात करने का तरीका है। मैं अगर कहूं कि अगर अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश को रेप प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, महिलाएं यहां पे हर मिनट बलात्कारी के हत्ते चढ़ रही हैं, तो ये सबसे ज्यादा शायद यही वजह है शिल्पी, रोशनी जी शायद यही वजह है कि कांग्रेस को ना कोई सच में
कांग्रेस के पास कोई नहीं आ रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से अपनी जमीन जो है ना वो खो चुकी है। यही वजह है, आपको पता है कि आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी आप उस पर बात ही नहीं कर रही। अगर आप उस पर माफी मांग लेंगे या बात नहीं कर रही, माफी नहीं मांगना चाहती, गलती से मुंह से निकल गया तो कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। चकारी, अगर मैं, मुझे मालूम है कि मैंने कोई अभी तक ऐसा कोई अपशब्द नहीं यूज किया, जिसकी वजह से मुझे सुनाई दे रहा होगा। ये यूज्ड टू है, शर्मनाक है बिहेवियर आपका। जिस तरह से हर दो मिनट में रेप हो रहे हैं, इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान लेके आए थे माननीय योगी आदित्यनाथ, आप पढ़ नहीं पाए, आप खुद ही नहीं पढ़ पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से अपराध किए हैं, जिस तरह से बलात्कार उनके ऊपर सर्वाधिक है। अगर आप बात करें 116 सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, तो जब इनके दामन में खुद ही दाग है तो ये दूसरे को क्या सुधारेंगे। 3 आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश में जब जनता चुनी थी योगी जी को, तो उन्हें मालूम नहीं था कि वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा भी सामने नहीं आया था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ की जनता ने मोदी जी के नाम पे वोट किया था, उन्होंने कोई भी इंसान चूज नहीं किया था कि इन्हें वो वोट। चलिए ठीक है रोशन जी, ठीक है जी, बाद में फाइनलाइज ठीक है, आपको वर्जन में समझ चुकी हूँ आप क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं और क्या बता रही हैं। जय दीक्षित जी हमारे पास लगातार बने हुए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय जी, आप सुन रहे हैं लगातार कि अपराधों को लेकर किस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चीखने चिल्लाने से इस चर्चा में कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ही शालीन तरीके से और बहुत ही साधारण तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है का मतलब है कि अपराध जो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, हम खबरों से रोजाना रूबरू होते हैं, आप भी होते होंगे, और आप इस चीज से निकल कर ही आए हैं, इसलिए वरिष्ठ पत्रकार आपके नाम के आगे लगा है। तो आप ये बताइए कि इन दिनों अपराध अपने चरम पर है, 2017 से पहले भी अपराध अपने चरम पर था, क्या थोड़ा सा भी 1% भी कोई डिफरेंस नजर आया है? थैंक यू काजोल जी। मैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपके समक्ष मौजूद हूँ, और जो मैंने स्टडी किया है राजनीति में, राजनीतिक परिदृश्य को लेके, मैं 2011-12 की तुलना अगर मैं 2020 से करता हूँ, हमें कई संसाधनों पे जनसंख्या को भी आधार बनाना पड़ेगा। हम चूंकि आज 2020-21 में बैठे हुए हैं और चुनावी साल है, तो सवाल उठने सरकार पे लाजमी। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देश की 17% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लगभग 22 से 23 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की। और अगर मैं संख्या बल की बात करूं तो टोटल 1396 गजेटेड पुलिस अधिकारी जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे बीच हमारे सुरक्षा के लिए अपॉइंट किए गए हैं, और 2,31,443 कांस्टेबल नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिशियल जिनको हम बोलते हैं, अगर सबको हम मिला ले हैं तो 2,32,839 पुलिस कर्मी 23 करोड़ जनता की सुरक्षा में लगाए, जिसका अनुपात अगर हम देखते हैं तो लगभग 950 आदमियों पे एक व्यक्ति सुरक्षा कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति एक पुलिसकर्मी के ऊपर सिस्टम की कहीं ना लगभग 945 व्यक्ति की सुरक्षा। तो हम जब बात करते हैं सुरक्षा की तो हमें स्ट्रक्चराइजेशन पे भी बात करना होगा। ये हम उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जो 2013 से 2017 में नेशनल क्राइम ग्राफ में सबसे ऊपर था। देखिए जय जी, आपकी एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं बात करूं, जय जी एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं बात करूं तो जैसा कि जो यूपी सरकार है फिलहाल जो सत्ता में है, यानी कि योगी सरकार, वह एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मानती है, वो अपने आंकड़े मानती है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ये कहती है कि 10,021 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अगर 10,000 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है तो फिर अपराध कौन कर रहा है?
मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है काजोल जी, कई तरीके से अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट स्कैंडल कम हुआ है, पर महिला उत्पीड़न पे अभी बहुत अच्छा बेहतर तरीके से योगी सरकार में जो काम होने थे वो नहीं हो पाया। महिलाओं में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न थोड़ा सा बढ़ा है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन आप कई तरीके से देखेंगे तो इसी सरकार ने महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए जो बेहतर प्रयास किए जाने शुरू किया है। तो आप किसी भी चीज में किसी भी सरकार को हाथिए पे खड़ा करने के पहले हमें यह देखना होगा कि क्या सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के पीछे गंभीर है कि नहीं। एंटी रोमियो, ठीक है जय जी, जय जी, आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो चुका है, आपने बहुत अध्ययन किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति, क्या इसका असर दिखाई देता है? एंटी रोमियो स्क्वाड की जो टीम है मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं भी रोजाना नोएडा आती हूँ नौकरी करने के लिए और फिर नोएडा से दिल्ली जाती हूँ, मुझे नोएडा में कहीं एंटी रोमियो नहीं दिखाई देता। सरकार का एक बहुत बेहतरीन पहल था मिशन शक्ति, पहल था का मतलब समझो कि ये सही नहीं हो पाया। हाँ मतलब सरकार जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया तो उन्होंने शायद मुझे लगता है कि इंस्टेंट जो डिसीजन लिया था वो एंटी रोमियो स्क्वाड का लिया था, बट कहीं ना कहीं उससे आम जनता प्रभावित होने लगी, जिसको लेके सरकार को थोड़ा सा नरम रुख अपनाना पड़ा। बट मैं ये नहीं कह सकता कि एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव नहीं है, बट जिस तत्परता से काम हुआ था, जिस तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई किया था, उसमें कुछ असामान्य लोग, जो सामान्य जो रोड पे जाते हुए लोग भी हैं, पेडेस्ट्रियंस भी हैं, वो भी प्रभावित हुए थे, वो शायद एक निगेटिव पहलू रहा है। अदरवाइज एंटी रोमियो स्क्वाड ने महिलाओं को महाविद्यालय कॉलेजेज स्कूल के बाहर जो लड़के खड़े होके फप्टियां कसते थे, उस तरीके की जो अनस्ट्रक्चर्ड अपराध है उसके तो कंट्रोल आया था, इससे हम और आप दोनों कहीं ना कहीं सहमत होंगे। पहली चीज, महिला शक्ति जो मिशन शक्ति योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है, आप देखेंगे कि हर थाने में एक महिला चौकी बनाई गई, एक अच्छी पॉलिसी लिए कही जाएगी कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल चौकी एक थाने में बनाया जाना, का मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के, महिला उत्पीड़न के प्रति संजीदगी है और वो कहीं ना कहीं उसको एक बेहतर तरीके से रोकने, रोकथाम करने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ काम तो कर रही, कोशिश कर रही है, मतलब काम कर रही है सरकार, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी, आपका कहने का मतलब ये है। चलिए शिल्पी जी, यहाँ पर आपने सुना होगा जय दीक्षित जी को, वो एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर, मिशन शक्ति को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड है मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ या आपके खिलाफ हूँ या सरकार के साथ हूँ, ऐसा नहीं है, एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं दिखाई नहीं देता। मिशन शक्ति को लेकर मैं पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए सहमत नहीं क्योंकि महिलाएं अब भी जागरूक नहीं है अपने हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। गांव देहात में चले जाइए, आप शहरों की तुलना क्यों करते हैं या शहरों की बात क्यों करते हैं? देखिए ये दोनों ही बातों से मैं असहमत हूँ जॉय जी की, जय जी की। एंटी रोमियो स्क्वाड जो आपने बात कही कि असंगठित अपराध पे लगाम लगी, कॉलेजेस के बाहर छेड़खानी से रुका हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए जाहिर बात है बच्चे हैं, युवावस्था में उनमें आकर्षण होता है, हम भी आप उस, मैं खुद, आप लोग तो खुद ही युवा हैं, हम लोग उस स्टेज से जब निकले हैं, लेकिन आप बच्चों को आपस में बात करने में भी एंटी रोमियो के दायरे में लेके आने लगे। छेड़छाड़ से बचने के लिए अगर आप बात करते हैं तो 1090 जैसी विमेन पावर लाइन, जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 5.5 लाख मामलों को निपटाया, ये पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड है। बच्चियों को उससे बहुत मदद थी, उस समय तो मैं राजनीति में नहीं थी, और बच्चियां कहती थी दूर गांव देहात में, वो कहती थी कि हम शिकायत करके हमें मिल जाती है, मदद मिल जाती है सेंट्रलाइज सेवा की। दूसरी बात मिशन शक्ति, मिशन शक्ति की अगर आप बात करेंगे तो मिशन शक्ति का तो जो अधिकारी हैं, जो आईजी वगैरह ही हैं मेरे संपर्क में हैं, वो खुद कहती हैं कि मिशन शक्ति पे कार्यक्रम कराना है, लेकिन नेट पे आप देख लीजिए कि इसके उद्देश्य क्या हैं।
बोगस है इनकी वो महिला चौकियां और महिला थाना पहले से हैं। हर जिले के मुख्यालय में महिला थाना पहले से हैं। लखनऊ में इन्होंने 100 बूथ बनाए पिंक बूथ मिशन शक्ति के नाम पे, कुछ नहीं होता उनमें, कोई महिला जाके उसमें आराम नहीं कर सकती। उसका उद्देश्य इनका ये था कि मान लीजिए कोई महिला जो रिक्शे पे बैठ करके जा रही हो और वो छेड़खानी का शिकार हो, या कोई ऑटो में जा रही हो तो छेड़खानी का शिकार हो, तो वो दौड़ करके आके हमारे पिंक बूथ में आके बैठ जाए। इनको सैनिटरी नैपकिन तक उस पिंक बूथ में रखने के लिए एनजीओ वालों के पैर पकड़ने पड़ते हैं। ये क्या सेवा देंगे? डायल 100 को डायल 112 करने के बाद जो 10 मिनट में डायल 100 पहुंचती थी, अब वो 1 घंटे तक उसका अता पता नहीं होता, गाड़ियों का नहीं पता है, फ्लीट पुलिस के पास पूरी नहीं है। जो जय जी ने कहा वो बहुत अच्छा एक कंपैरिजन उन्हें दिया कि उत्तर प्रदेश में 900 नागरिक के ऊपर एक पुलिस वाला है, तो जय जी क्या ये बताएंगे कि हाँ 950 मैंने बताया, 950 आपने कहा था, तो ये बताइए कि पुलिस भर्ती करना क्या मेरा काम था या कांग्रेस का काम था? ये तो सरकार का काम था, सरकार ने इसको नहीं किया, भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, तो ये सब चीजें इनका। चलिए ठीक है, आप लोग आगे कंटिन्यू करें। केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चलिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपसे सबसे बड़ा सवाल मेरा और सबसे पहला तो नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि बहुत देर से चर्चा चल रही है, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन आपसे बात करना जरूरी है, आपसे सवाल करना जरूरी है, क्योंकि सत्ता में आप हैं। तो वैसे बहुत देर से हम विपक्ष को जानने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह से तमाम चीजों को हमारे सामने रख रहे हैं, जनता के सामने हमारा रख रहे हैं। देखिए चीख चिल्लाहट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दा है हमारा कि आखिर क्यों अपराध मुक्त प्रदेश नहीं हो पा रहा है, लेकिन योगी सरकार ने ये वादा किया था मुझसे, हमारी जैसी तमाम लड़कियों से, औरतों से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवानों से, कि वो प्रदेश जो है वो पूरा अपराध मुक्त देंगे, अपराधियों की जगह प्रदेश में नहीं होगी, या तो जेल में होगी या फिर प्रदेश से बाहर होगी। तो आप ये बताइए कि जब इतने वादे किए गए, मैं ये नहीं कह रही कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश की गई, लेकिन कोशिश 100% क्यों नहीं हो पाई? देखिए मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार के कार्यकलापों को जब आप देखेंगे और उससे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब आप कंपैरिजन करेंगे, तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कितना डिफरेंस है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए अभी शिल्पी जी समाजवादी पार्टी की लगातार जिस प्रकार से डायल 100 को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिस प्रकार से लगातार आलोचना कर रही थी, वास्तव में उत्तर प्रदेश पिछली समाजवादी पार्टी वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। यहाँ पे जब विकास दुबे जैसे खूंखार अपराधी का इनकाउंटर में मारा जाता है, जिसने 8 से 10 पुलिस कर्मियों को मार दिया, तो यही समाजवादी पार्टी सामने आती है और उसमें जातिवाद करती है कि आपने एक ब्राह्मण को मार दिया, आपने गाड़ी कैसे पलटवा दी। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गाड़ी पलटवाने वाली सरकार है। सुन लीजिए, नहीं, मैं सबको सुन रहा था, मेरी बात आ जाए। खुशी दुबे कौन है भाई? जैन साहब जी। दूसरी बात ये कि वो ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर दो दो लड़कियों की, दो दो बेटियों की लाशें मिला करती थी। ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहाँ बदायूं में दो दो लड़कियों को मार के टांग दिया जाता था, फिर एक बार जांच में आता था कि नहीं ये तो जो है आत्महत्या है, फिर कहते थे नहीं ये तो जो है मार दिया गया है। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी जैसे लोग पंजाब से उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहते हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर अतीक अहमद जैसे लोगों के मकानों पे जब बुलडोजर चलाए जाते हैं, तो यही समाजवादी पार्टी सामने आती है और कहती है हम जांच कराएंगे आपने बुलडोजर क्यों चलाया, कौन गलत है कौन सही है। ये वो उत्तर प्रदेश है, सुन लीजिए, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर 4,000 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जाता है, वो अपराधी हैं
जो पिछले 5 सालों से खुलेआम घूम रहे थे और जिनके ऊपर एमबीडब्ल्यू जारी था, जो 50,000 1 लाख की इनामी बदमाश थे, लेकिन पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में उनको सरकार पालती पोसती रही और जेल नहीं भेजा। रही बात डाटा की, हो सकता है एनसीआरबी के डाटा में ये दिखाई दे कि अपराध कहीं पे कम नहीं हुआ। एनसीआरबी की डाटा ये है सबसे बड़ा की डाटा होता है वो तो बीजेपी सरकार योगी सरकार मानती ही नहीं है जी। नहीं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 6,500 सोनभद्र कांड होता है, जहाँ पर हाथरस कांड होता है, जहाँ पर कानपुर में एक महिला के साथ अगर वो नौकरी करने जाती है, नौकरी पर लगती है, अगले दिन उसका बलात्कार होता है और उसे छत के नीचे फेंक दिया जाता है, ये वो उत्तर प्रदेश है। केसी जी, नहीं नहीं, मैं बताऊँ आपको, 4 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हुए एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत। एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हुए प्रदेश, और उसके मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। हाथरस की जी सवाल आप दोहरा दीजिए, क्या कह रहे? दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से क्लियर नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश को रेप प्रदेश के नाम से जाना जाता है पूरे देश में, आपको मालूम है कि नहीं केसी जी? पूरा देश में सिर्फ एक ही प्रदेश है जिसे रेप प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हाथरस, हाथरस की घटना कैसे दिया जाए? हिंदू धर्म में रात में 2 बजे, रात में 2 बजे कभी भी आपको किसी भी धर्म में जलाया जाता है? प्रियंका गांधी जी गले किसको लगा रही थी? वो तो उनकी रिश्तेदार बन गई थी, आंटी आंटी कह रही थी, मौसी हो गई थी, बाहर के मौजूद की परिवार वालों के मौजूद की के बेटी की शव को जला दिया जाता है आधी रात को। ये सिर्फ हाथरस में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। प्रियंका गांधी जी उनको गले लगा रही थी, तो गले लगा रही थी उनके परिवार वाले थे, पिछले परिवार के नहीं थे, परिवार के नहीं थे वो तो पता चल गया। बिना परिवार की मौजूदगी में आपने जलवा दिया। कार्यकर्ता थी कांग्रेस की, अरे कितनी गंदी राजनीति आप लोग करते हैं, राजनीति करने वाली पार्टियां। राजनीति तो कहीं भी अच्छी नहीं होती ना जैन साहब जी, राजनीति तो कहीं अच्छी नहीं होती है। देखिए यही समाजवादी पार्टी है जिसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इन्होंने बीएसपी के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन जनता ने कुछ भी नहीं पता है, नकार दिया। बात करनी है जनता ने, नकार दिया, आपको भी नकारने वाली है जनता, जनता आपको भी नकारेगी, नहीं ला पाए, चिंता न करिए। ये घोटालों की सरकार 2022 में भाजपा जा रही है, खत्म हो गया मात्र बैंड बाजा करके बोलिए तभी समझ आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है इस चर्चा का। इनको इनको रोकिए, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, इस चर्चा को बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक और गंभीर मुद्दा है। देखिए अपराधियों का, अपराध का, अपराधी किस तरह से लगातार आगे दबंग हो रहे हैं और किस तरह से लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो ये गंभीर मुद्दा है। अगर मैं बात करूं मोदी जी का क्षेत्र बनारस की, तो रात में 11 बजे यहाँ बलात्कार होता है और उसे दबाने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है। मैं रात में 11 बजे यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद थी, वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ के दोषियों को सजा देने के बजाय इस केस को रफा दफा करने के चक्कर में था। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहीं बलात्कार हुआ है तो बलात्कार में सजा नहीं दी जाती है। चलो ठीक है, जय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, इस बात का कि जय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से चुप बैठे हैं, बोलिए जय जी। यहाँ पे मुख्यमंत्री आपके पास दो आपके पास आऊंगी, की लड़की आपके पास आऊंगी, जय जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे लोग पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनको लाया गया, उनपे भी कार्रवाई हो रही है। वो आपका प्रोपेगेंडा, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। 4,000 लोगों पे अपने मुख्यमंत्री को ही पूछ लीजिए, सबसे बड़े अपराधी तो आपके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने केसेस अपने वक्त पर वापस कर लिए।
गायत्री प्रजापति की सरकार नहीं है मुख्यमंत्री, अरे आपका मुख्यमंत्री ही अपराधी है, आपके मुख्यमंत्री पर 33 मुकदमे थे। शिल्पी जी और जैन साहब जी, आप जय दीक्षित जी की भी बात सुन लीजिए, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं बोलने की। समाजवादी पार्टी में नहीं नहीं आई है क्या शिल्पी जी? आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, आरोप प्रत्यारोप करते रहे, अब समय है क्या आरोप प्रत्यारोप का? जैन साहब जी, शिल्पी जी, ये क्या समय है आरोप प्रत्यारोप का? महीने इतने कम बचे हैं चुनाव में, आप अभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आगे क्या विजन है आप लोगों का अपराध को लेकर, अपराध को कंट्रोल करने को लेकर, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इनका विजन देख लीजिए ना, क्या विजन लेके आए हैं ये? जय जी बोलिए। नहीं आप देखिए, योगी जी पर अगर सवाल खड़ा करते हैं, जैन साहब मुकदमे मुलायम सिंह यादव जी पर थे। जैन साहब मैं आपको सुनूंगी, आपसे सवाल करूंगी, आपसे तो बहुत सारे सवाल करने हैं, रोजाना करूंगी। वाह वाह वाह, आपसे सवाल करूंगी रोजाना करूंगी, आप सत्ता में, आप पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। बिल्कुल अपराधी थे, मायावती जी ने लिखाए थे। हाँ ठीक ठीक, तभी मायावती ने वापस ले लिए, मायावती सरकार जाने वाली है, उसकी बौखलाहट केसी जी के चेहरे पे दिख रही है। शिल्पी जी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप अभी बहुत ज्यादा रोशन जी को लेकर बोल रही थी, तो मैं नहीं चाहती कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी करें। मैंने कोई गलत शब्दावली नहीं करी है, किसी डिबेट को होने नहीं दे रहे। जय जी अपनी बात कर रहे हैं, रोशनी अपनी बात कर रही है। जैन साहब जी देखिए, जैन साहब जी थोड़ी देर के लिए देंगे ना, थोड़ी देर के लिए। जय दीक्षित जी बोलिए। जैन साहब, हम एक ऐसे पृष्ठभूमि, एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां निश्चित ही अगर मैं एनसीआरबी के डाटा को देखूं, देखिए एनसीआरबी का जिक्र आप कर रहे हैं, जय जी एक सेकंड मौका दीजिएगा। एनसीआरबी का जिक्र कर रहे हैं लेकिन सरकार तो उसे नहीं मानती ना, तो फिर क्या क्या प्रूफ आप दिखाएंगे, क्या प्रूफ? देखिए हर चीज, हर राज्य के आपराधिक आंकड़ों का जो स्टैटिक है वो एनसीआरबी के पास होता है, और हम उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर होता है, और हम उसकी बात अगर नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब हम कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें एनसीआरबी को ही बेस बनाना पड़ेगा और एनसीआरबी की बात करनी पड़ेगी। ये तो जैन साहब जी को समझाइए ना, आपकी सरकार तो मानती ही है। 2017 में टोटल जो केस वुमेन उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के अगेंस्ट जो केस था जो दर्ज हुआ वो था 3,59,849, और उस टाइम पे 56,011 केस ऐसे थे जो अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे और नंबर वन था। इसका मतलब कि महिला उत्पीड़न में 2017 में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन था, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल था, जो मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बात करता हूँ। हम बात कर रहे हैं आज के डेट में किस तरीके से अपराध को कम कर सकते, हम उस पर चर्चा करें। हम आरोप प्रत्यारोप में तो कहीं ना कहीं अपने, लेकिन यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ और होता नहीं है। पहले ही बोला है मैंने कि शांति से इस पूरी मुद्दे पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये मार्मिक मुद्दा है, जरूरी मुद्दा है, लोगों से जुड़ा है। एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो हमारी महिलाओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी माताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिला उत्पीड़न का मुद्दा है, ओवरऑल कॉर्पोरेट स्कैंडल का मुद्दा है, कॉर्पोरेट क्राइम का मुद्दा है। आज के डेट में अपराधी खुलेआम अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूम रहे हैं और उनपे अंकुश है तो कहीं ना कहीं एक भय से ही बनाया गया है, और 2017 के बाद वो भय गायब हुआ है। मैं अगर रिपोर्ट की बात करूं तो डकैती में पिछले 4 सालों में 69% की गिरावट आई है डकैती में। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी आदित्य सरकार जी ने काम नहीं किया, लेकिन आज भी अगर प्रति 950 व्यक्ति पे एक पुलिसकर्मी अगर कार्यरत है, उसके सुरक्षा में लगा है, तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षा के प्रति अभी भी ज्यादा जागरूक नहीं है जिस रेशियो से जागरूक होना था। हमारे को जो क्राइम डाटा कहता है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्टेब्लिशमेंट होती है कि प्रति लाख एक चौकी होने चाहिए, प्रति लाख जहाँ की भी 1 लाख की जनसंख्या है वहां पे एक चौकी होना अनिवार्य है, पुलिस चौकी या थाना। आज के डेट में उस थाने की बात नहीं हो रही है, सारे चौकी लगभग जो अर्बन क्षेत्र में चौकियां हैं या थाने हैं वो ओवरलोडेड है,
10-10 लाख की आबादी, 20-20 लाख की आबादी पे एक थाना काम कर रहा है। तो हमारे को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम नहीं किया, अपराधी और अपराधों पे अंकुश अवश्य लगाया है। पहले अखिलेश सरकार जी की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं किसी व्यक्तिगत सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा शिल्पी जी, बट मैं एक जरूर कहूंगा कि जिस सरकार में दर्जनों जिसको हम जो सोशल कम्युनल क्राइम कम्युनल स्कैंडल की बात मैं करूंगा, वो जो आपराधिक दंगे हुए वो पिछले 4.5 साल में देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब कि अपराधियों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल तो सरकार ने किया, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। पहले हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि जो दंगे कराते थे वो रूलिंग में बैठे हैं, जो दंगे कराते थे वो रूलिंग में बैठे हैं, इसलिए दंगे नहीं हो रहे गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए। और ये प्रूवन है, मुजफ्फरनगर में दंगे किसने कराए? संगीत सोम ने कराए, संगीत सोम ने कराए, ये प्रूवन है। तो आप अगर जो दंगे कराने वाले लोग हैं वही रूलिंग में बैठेंगे तो दंगा कैसे होगा? देखिए अगर अगर यहाँ मैं एनसीईआरटी के आंकड़ों का जिक्र करूं कि 2017 से अब तक या 2017 से पहले जो 5 साल सपा सरकार के रहे हैं, आप सुन लीजिए, एनसीईआरटी के आंकड़ों का मैं जिक्र करूं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 500 या 1000 का अंतर है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है, इतनी ही कमी आई है बस। उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्रदेश अगर बहुत सुरक्षित है तो उन्नाव की पीड़िता दिल्ली में क्यों रह रही है? जिसका उन्नाव में बलात्कार हुआ वो अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली क्यों गई? उसके पिता को मार दिया गया, उसके चाचा को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसके अलावा दूसरी जो लड़की थी उसको जला करके मार दिया गया। प्रजापति के अलावा योगी आदित्यनाथ तो इतने बड़े अपराधी हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अरे आज तक बात नहीं हुआ, जाइए पता कर लीजिए, जाइए पता कर लीजिए, आप प्रजापति को शिल्पी जी और जैन साहब जी के विधायक यहाँ बैठकर आपराधिक इस चर्चा में बैठकर आरोप प्रत्यारोप लगाना और जो बीते मुद्दे हैं उनको उठाना, देखिए मुद्दों पर बात होगी आपको बता रही हूं, लेकिन क्या सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप करके प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा? अपना अपना विजन रखने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में नहीं पता किसकी सरकार बनेगी। ओवर कॉन्फिडेंस तो सब है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस भी अपने आप को कॉन्फिडेंस मान रही है, साथ में बसपा भी है, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग करेंगे क्या आगे? सिर्फ 1,500 का अंतर दिखाएंगे, महिला सुरक्षा, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, कंट्रोल कैसे करेंगे? एक विजनरी प्लेस करना चाहिए, वो भी एंकर महोदय, जो 500 का अंतर है वो इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन था इतना लंबा, कई कई बार तक तो लॉकडाउन में लोग घरों में थे, तो अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो कांग्रेस का विजन बताइए। रोशनी जी तो आप अपना विजन बताइए ना, कांग्रेस का क्या विजन है? क्या सिर्फ प्रियंका गांधी सोनभद्र जाएंगी, हाथरस जाएंगी, कैसे ट्वीट करेंगी? एंकर महोदय, 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता ने सपा को मौका देके देख लिया, बसपा को मौका देके देख लिया, अब भाजपा को मौका देके देख लिया। क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल तो सबसे बड़ा यही है, कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया है, बाकी राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में क्या हो रहा है आपको तो पता ही है, इतने बलात्कार कभी नहीं हुए, कांग्रेस हमेशा से शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात करता है, कभी भी एक दूसरे पे नहीं भड़का है, पंजाब हिंदू मुस्लिम के अलावा भड़काने के अलावा कोई काम नहीं किया है, किस तरह से इतने ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में दंगे हुए, पंजाब में क्या हो रहा है, किसी को चिंता नहीं है? बस आप भी अंदर बैठे हैं, इतने बड़े बदलाव सिलसिले के हवाई जहाज कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ने क्या बनाया है, कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया है, इसमें तो बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आप अपना विजन लिए करिए, कांग्रेस ने ही बनाया है, सेतु को काल्पनिक कहती थी, वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी,
कांग्रेस की सरकार आजादी के 70 सालों के बाद तक जो जो सत्तर साल में जैसे अपने माँ बाप को लोग नहीं बोलते हैं कि आपने हमारे देश के लिए किया क्या, हमारे लिए किया क्या, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कराती रही। ऐसा बोलने से पहले सिखों के एक बार सोच लीजिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए ठीक है। लास्ट में जो चर्चा है ना वो गलत गलत मोड पर जा रही है। सुन लीजिए सुन लीजिए, 3 मिनट बचे हैं मेरे पास, आखिरी 3 मिनट अपराध आखिरी 3 मिनट रोशनी जी, उत्तर प्रदेश की चिंता करी रोशनी जी, आखिरी 3 मिनट किसी के खिलाफ। सुन लीजिए, कांग्रेस ने लगातार वकील खड़े किए जिससे कि ये जैन साहब आप ही बताइए राम का मंदिर ना बन पाए। जैन साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप वादा करते हैं कि अगर 2022 में आपकी सरकार आई तो ये जो अपराध का ग्राफ है जो धीरे धीरे नीचे हो रहा है और नीचे जाएगा, वादा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपराध और अपराधी, देखिए अपराध कम हुए और अपराधी जेल में गए। मैंने आपको बताया कि 4000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी जो या तो इनकाउंटर में गिरफ्तार हुए या उन लोगों ने स्वयं सरेंडर कर दिया और वो आज जेल में। मेरे पास समय की कमी है जैन साहब जी, नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के है लगातार सरकार ने काम किया। एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत जो कॉल्स आई है 4 लाख से ज्यादा उसपे मुकदमे दर्ज हुए और उन बच्चियों को बचाया गया और उनके साथ दोबारा घटनाएं वहां पर नहीं हुई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो इनकाउंटर में दुर्दांत अपराधी मारे गए उनके लिए विपक्ष लगातार लड़ रहा है कि आपने इनको क्यों मार दिया, ये तो बहुत सज्जन आदमी थे, अरे 2 लाख के इरामी ही तो थे, चले ठीक है, इनका इनकाउंटर क्यों कर दिया। उन पर भी बहुत सारी पर्ते चली हुई है जैन साहब जी, उन पर भी बहुत सारी पर्ते हैं और वो पर्ते लगातार विपक्ष खोलने का काम करता रहता है। शिल्पी जी आप बताइए कि आप तो बहुत ज्यादा नाराज हैं बीजेपी सरकार से, इन 4.5 सालों से कुछ काम नहीं किया है बीजेपी ने, आप क्या करेंगे 2022 में, लोगों को मंत्री बनाएंगे 2022 में, क्या करेंगे, क्या विजन है आपका अपराध को लेकर? हम किसी अपराधी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आप उसी के लिए चिंता ना करिए। होर्डिंग लग चुके हैं महिलाओं के लिए, हमारे पास बहुत अच्छा हम पुलिस भर्ती करेंगे, हम नए थाने खोलेंगे और इनकी तरह हिंदू मुसलमान की पिच इनके पास कुल मिला के बस एक नाम रहता है, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि लड़कियां मारी क्यों जा रही, लड़कियों के बलात्कार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बलात्कारी तो 145 विधायक इनके यहाँ ही बैठे हुए हैं पूरे। चलिए ठीक है, ये लड़ाई तो बहुत सारी चल रही है, देखिए अगर मैं अगले एक घंटे भी आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, बलात्कारियों की पार्टी है अगले एक घंटे भी आप लोग चुप नहीं बैठेगा आप लोग प्रत्यारोप करते रहिएगा। आप कार्रवाई कर रही है, शांत हो जाइए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस मुद्दे पर अगर बात होगी तो पूरे दिन भी चर्चा हो सकती है। देखिए सपा हो या फिर बसपा या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि योगी सरकार कहती है कि हमारी सरकार में अपराध का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है कि तेजी के साथ नीचे आए। 2022 बेहद नजदीक है, समय बेहद कम है, ऐसे में अब सरकार किस तरह से जनता के बीच पहुंचेगी और जनता का कितना दिल जीत पाने की कोशिश कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपराध को लेकर चर्चा थी, लेकिन चर्चाओं में तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ गई जिसका जिक्र लगातार होता रहा है, आज भी उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, जिन पे पर्दे अब भी पड़े हुए हैं उन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो देखना होगा कि 2022 में क्या कुछ होता है, अपराध मुक्त क्या उत्तर प्रदेश हो पाता है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।